आइए समझते हैं डिफरेंस थ्रू और थ्रो के दरमियान। दोनों की प्रोनंसिएशन भी डिफरेंट है, मगर फिर भी हम लोग क्यों इसको मिक्स कर देते हैं मुझे नहीं पता। लोग अक्सर मैंने देखा इस थ्रो की जगह थ्रू बोल रहे होते हैं या थ्रू की जगह थ्रो बोल रहे होते हैं, हालांकि दोनों अलग हैं, दोनों अलग अल्फाज हैं, दोनों की कैटेगरी अलग है, दोनों के मीनिंग अलग है। ऊपर वाला जो है ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है इंग्लिश में, थ्रू जरिए, थ्रू क्या प्रोनंसिएशन है, थ्रू जरिए। जैसे लिखा वी आर कमिंग थ्रू द टनल, थ्रू किसी चीज में से होते हुए निकलना, आई एम कमिंग थ्रू द डोर, आई एम कमिंग, द वॉटर इज कमिंग थ्रू द पाइप, ओके सेम लाइक वी आर कमिंग थ्रू द टनल, हम निकल रहे हैं टनल के जरिए। इसी तरीके से थ्रो, थ्रो जो है ना अल्फाजों का बादशाह, वर्ब है एक थ्रो, यानी इसकी सेकंड फॉर्म भी बनती है थ्रू, थर्ड फॉर्म भी बनती है थ्रोन, आईएनजी भी बनती है थ्रोइंग, तो आईएनजी बनती है, तो थ्रो एक वर्ब है। अक्सर लोगों को बोलो थ्रो वो लिखते हैं थ्रू, यानी ये वाला इतना जहन में बैठा हुआ है लोगों के कि इसको कोई भाव ही नहीं देते। ओके सो थ्रू प्रीपोजिशन है, वी आर कमिंग थ्रू द टनल, हम आ रहे हैं टनल के जरिए, टनल में से होते हुए, ओके एक प्रीपोजिशन है। वी आर थ्रोइंग द बॉल, हम बॉल को फेंक रहे हैं, थ्रू जरिए और थ्रो का मतलब होता है फेंकना, क्रिकेट में बहुत यूज होता है थ्रो, ओके थ्रो थ्रू थ्रोन, ओके सो थ्रू एंड थ्रो बोथ आर डिफरेंट वर्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड, मेक सम सेंटेंसेस प्लीज।